Hey guys, welcome back to Crazy to Forever, Leh Ladakh के सीरीज के एक और एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हम तुरतुक में एक दिन बिताए थे। Today I've get up like a reporter, no? यहाँ हम मेमोरियल्स, बाल्टी खाना, यहाँ के मेटल आइटम्स, बॉर्डर और बहुत कुछ देखा, खाया और एक्सपीरियंस किया। यहाँ के राजा से भी मिले। या देर इज अ किंग हियर। अब इसके बाद कहाँ जाना है समझ नहीं आ रहा। कहाँ क्या, अब इसके बाद निकलना है टू पैंगोंग। तो चलिए आपको ले चलती हूँ वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक पे, और रास्ते में आपको ऐसे बहुत सारे खूबसूरत से नजारे देखने को मिलेंगे। पैंगोंग का रास्ता बहुत अच्छा नहीं है, रोड्स के हिसाब से काफी ऑफ रोडिंग हो जाएगी आपकी। यहाँ पे इन बाइकर्स को देख के हमें भी अपनी याद आ गई यार, बाइक की जिसे हम स्पीति ले गए थे। हाँ, थोड़े अच्छे रोड्स आएंगे, लेकिन ऐसे धूल उड़ती हुई रोड्स काफी आएंगी। क्या भैया, आप अपने दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोलेंगे, इधर आओ, खूब पैसा दो, पैसा दो। ये मत बोलते, अच्छा अच्छा है, इधर आओ, पैसा दो, पैसा खूब पैसा उठा के आओ। नाइस यार, ये सब बॉर्डर रोड्स हैं, तो यहाँ पे आर्मी की प्रेजेंस काफी रहती है। तो पीछे एक पत्थर गिर गया है एक कार के सामने, उसको हटा रहे हैं एंड फिर वो ट्रैफिक जो है वो तुरंत कम हो जाएगा। वैसे एक बात बताऊं, इन रोड्स पे और स्पीति के ट्रिप पे जब आप जाओगे ना, तो आप महसूस कर सकोगे कि सच में ये सब एक टाइम पानी के नीचे था। पहाड़ों के पैटर्न्स, इन पे बने लार्ज मार्क्स इतने एविडेंट है ना। और यहाँ आप स्पॉट कर सकते हैं हिमालयन मार्मट्स। Sounds like marmalade, right? ये बहुत ही क्यूट और छोटे से साइज के होते हैं, और ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट मार्मोट्स हैं। ये कॉलोनीज में रहते हैं और इनके बरोज होते हैं, एंड दे हाइबरनेट। जहां सॉइल कंडीशंस अच्छे हैं, ग्रासलैंड्स हैं, वहां पे आप इनके 20 से 30 फैमिलीज यू नो मिल जाएंगी आपको। बहुत फरी होते हैं, एंड प्लीज यहां पे इनको डोंट फीड देम, अदरवाइज दे विल डाई। दे आर नॉट यूज्ड टू व्हाट वी ईट। ये अपना खाना यहां पे खुद ढूंढते हैं। हमारे फीड करने से इनका पैटर्न में चेंजेस आएगा एंड दे विल इवेंचुअली डाई, व्हिच ऑफ कोर्स वी डोंट वांट। यू कैन प्लग द ग्रास इटसेल्फ एंड फीड देम, नथिंग मच बेटर देन दैट, राइट? नहीं, चुना काट लेगा, कुछ हो जाएगा ना। ये कैसा है? यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करके हम और भी ऑफ रोड आ गए। बट यू नो, ये जगह भले ही रेगिस्तान जैसा हो, बट यहाँ हर एक 5 मिनट में आपको एक यूनिक लैंडस्केप देखने को मिलता है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स दिस प्लेस वेरी स्पेशल। कैन यू इमेजिन, आप धूल मिट्टी और ऑलमोस्ट 4000 मीटर के ऊंचाई पे पहाड़ों के बीच, और सडनली फ्रॉम नोवेयर यू स्पॉट अ जायंट लेक। यस, वेलकम टू पैंगोंग, जो 134 किलोमीटर लंबा दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है। 40% इंडिया में है और 60% चाइना में है। यही लेक आगे स्ट्रेच करते करते जाने जाते हैं एज पैंगोंग सो, सो न्याक, रम सो और न्याक सो। ये सॉल्ट वाटर होते हुए भी विंटर्स में कम्प्लीटली फ्रीज हो जाता है। सो लेट्स एंजॉय दिस लेक फॉर अ वाइल। आशुतोष, I'm gonna marry you. जल्दी आओ, इधर आओ, इधर आओ, कहाँ भाग रहा है? इधर शादी कर मुझसे। This is Kareena Kapoor's scooter, जो उन्होंने बहुत सारा छोड़ दिया है लाइन से, और आप
इस पे बैठ के पैसे देके फोटो ले सकते हो, पचास करीना कपूर बन सकते हो। 50 रुपए में करीना कपूर, थोड़ा ऊपर दिखाइए ना पूरा। 50 रुपए में करीना कपूर है। देखना कहीं लुढ़क मत जाना पैंगोंग देखने। हो गया। अरे हमने यहाँ पे रूम लिया, प्री बुकिंग नहीं किया था, डायरेक्टली आके बुक किए, विच वॉज अ ग्रेट एडवाइस बाय आवर ड्राइवर। रूम में आपको इतने फैसिलिटीज मिलेंगे तो ही इट्स वेरी गुड। यहाँ इतनी ऊंचाई पे आके हाई फाई चीजों को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं हम। यू विल गेट ड्राई टॉयलेट्स ओनली हियर। इट्स अ वेरी नाइस कॉटेज एंड वी गॉट दिस फॉर 1,000 rupees ओनली एक्सक्लूडिंग फूड। अगर इंक्लूडिंग फूड है तो 2,000 है। इट्स वेरी प्रिटी एंड पूरा सील्ड है, पर यहाँ पे हमेशा एक प्रॉब्लम रहता है कि कहीं पे भी आप जाओ तो आपको जो करंट का फैसिलिटी है वो सिर्फ इवनिंग 7 से लेके रात को 10 बजे तक रहेगा, उसके बाद नहीं रहता है। सुबह भी नहीं रहता है बिकॉज सुबह तो सनलाइट हो जाता है और 7 बजे ही सनसेट होता है। यहाँ पे जनरेटर से चलाते हैं, यहाँ पे कोई पावर नहीं है, दैट्स वाई। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे और नाक बह रहा है लेकिन अंदर जाने का मन नहीं कर रहा है टेंट में, क्योंकि यार एक ही रात है, बस एंजॉय कर लो, ये ठंडी बाद में वापस नहीं मिलेगी चेन्नई में जाके। और यहाँ पे द वाटर इज एक्चुअली सॉल्ट वाटर, नहीं तो यहाँ पे तो बहुत लोग बसे होते हैं। बट इट्स वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल एंड साइलेंट। ठंडे कपड़े बहुत सारे लेके आना। पैंगोंग लेक में हमने स्टॉर्म क्लाउड्स देखा। एक तरफ अभी भी मौसम बढ़िया था एंड जस्ट सामने हमारे स्टॉर्म काफी तेज हवा चलने लगी थी, और ठंडी के मौसम में बिना प्याज के पकौड़े और गर्मा गर्म चाय के कैसे एंजॉय कर सकते हो यार। रात काफी डार्क था और करंट भी नहीं था, अफसोस। काफी बादल की वजह से यहाँ का नाइट स्काई विच इज फिल्ड विद स्टार्स नहीं देख पाए, पर एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लेते हुए निकल पड़े। रास्ते में आपको बहुत सारे कॉटेजेस एंड रूम्स दिखेंगे, एंड आपको पता है पैंगोंग हैज 3 कलर्स, ग्रीन, ब्लू एंड रेड। यस, रेड। ये लेक रेडिश कलर में भी दिखता है। क्या चीज का वीडियो ले नहीं ले समझ नहीं आ रहा। एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, कैन यू जस्ट सी दिस व्यू। और यहाँ से हम निकल पड़े टुवर्ड्स द हिस्टोरिक विलेज ऑफ लद्दाख, हानले, जिसके बारे में भी काफी चीजें बताऊंगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में। सो सी यू टिल देन।